क्या आप भी सक्सेस होना चाहते हैं, या कभी आपने सोचा है कि हम बिजनेस करेंगे, या आप सोच ही रहे हैं कि यार बिजनेस क्या करना है, दो रोटी खाना है और सो जाना है, मुझसे तो मेरा घर का काम ही नहीं होता है तो मैं बिजनेस कैसे करूँगी, तो चलिए वीडियो को स्किप कर देते हैं। रुकिए, वीडियो स्किप करने के पहले एक बार इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, फिर आप आपके घर का काम भी करेंगे और बिजनेस के बारे में सोचने का समय भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाय, वेलकम बैक निर्जा फैशन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कम बजट में आप कैसे व्यापार कर सकते हैं। इसके पहले भी हमने आपके साथ वीडियो शेयर की है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। और हमारे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो हमने आपके साथ शेयर कर रखे हैं कि आप किसी भी तरीके का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो अगर हमारे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही निर्जा फैशन टीम को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हैं हमारे वीडियो के बारे में। व्यापार करना है तो हम सबसे पहले आपको लेके चलेंगे सिलाई के लिए। तो अगर आपको इसमें सिलाई आती या नहीं आती वो हम सेकंड पार्ट में शेयर करेंगे, लेकिन अगर आपको सिलाई आती है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो जब हम बात करते हैं कम बजट में आपका व्यापार कैसे शुरू हो, क्योंकि काफ़ी हमें कमेंट आते हैं कि कम बजट में व्यापार हो ही नहीं सकता है, और अगर सभी व्यापारी बन जाएंगे तो खरीदेगा कौन। तो इन सभी क्वेश्चन को भी हम कवर करते हुए आपके साथ आज का जो वीडियो शेयर करेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा आपको। अगर आप सिलाई में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। 10 चीज़ें आपको स्क्रीन में दिखाई गई है, ये हमारे अकॉर्डिंग है। अगर आप लोगों को लगता है कि इन 10 चीज़ें काफ़ी नहीं है एक सक्सेसफुल इंसान के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ताकि हमें भी आप लोगों से काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो चलिए, पहला हमारा टॉपिक है सिलाई के अंदर मेहनत। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो आप सक्सेस जरूर होंगे। और मेहनत, इंसान आलसी जो इंसान होता है वह भी करता है, और जो मेहनती होता है वो तो मेहनत करता ही है। तो पहले हम बात करेंगे मेहनती इंसान। जो मेहनती इंसान होता है वो तो शुरू से मेहनत करता ही रहता है, करता रहता है, और टाइम लगता है, लेकिन एक दिन वो सक्सेस अपनी लाइफ में ज़रूर हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो कुछ थोड़ा बहुत आलस करते हैं और सोचते हैं कि नहीं मैं मेहनत नहीं करता, ये मुझे कोई काम करना था या बिजनेस शुरू करना था तो मैंने एक दिन सोचा कल करूँगी, दूसरे दिन सोचा परसों करूँगी, ऐसे करते करते दिन बीतते गए, साल हुआ, दो साल हुआ, तीन साल हो गए। अब मुझे एक 3 साल बाद या 10 साल बाद भी कभी कभी इंसानों को ध्यान आता है, या हमारी उम्र के आखिरी पड़ाव में भी याद आता है कि अगर मैं उस टाइम मेहनत कर लेता तो आज मैं सक्सेसफुल इंसान होता। तो उसने कुछ पल के लिए ही सही, पर चाहे एक सेकेंड के लिए भी उन्हें मेहनत के बारे में सोचा है तो सही ना। तो वही चीज़ अगर आप टाइम पे सोच लेंगे तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। चाहे आप सक्सेसफुल सिलाई के लिए बने या आपका जो भी बिजनेस आप करते हैं, उन सभी के चीज़ के लिए लागू होती है मेहनत। तो चलिए हमारा जो सेकंड टॉपिक है जिज्ञासा। अब हमने अगर जब मेहनत कर ली है तो मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है, मेहनत के अलावा हमें जिज्ञासा भी मन में रखनी है कि नहीं हमें इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना। जैसे हमारा सिलाई है तो सिलाई के अंदर हमें जिज्ञासा रखनी है कि हम इस सिलाई को ही बेहतरीन तरीके से कैसे करेंगे कि बिजनेस हम करें और मार्केट में हम हमारा दबदबा बना पाएं। तो आप एक सीढ़ी दो सीढ़ी करते हुए बिजनेस की ओर बढ़ेंगे। और अगर आप एक मेहनती इंसान है और अगर आप में जिज्ञासा नहीं है तो सिर्फ आप एक मेहनत करके थोड़ी बहुत मजदूरी करके ही अपनी ज़िंदगी निकाल देंगे, लेकिन आप कभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। तो अगर आप में जिज्ञासा थी तो आपने वो टाइम पे का आपका काम किया और उसके बाद आपने समर्पण दिया, अपने काम को आपने समर्पण दिया। जिज्ञासा और मेहनत और समर्पण, ये 3 मूल मंत्र है, ये आपको समझना होगा। तो चौथा, अगर आप जुगाड़ करना जानते हैं तो सक्सेस आपके आगे आगे नहीं आपके साथ चलेगी। जहाँ आप जाएंगे सक्सेस आपके साथ रहेगी। मेहनत हुई हमारी, जिज्ञासा हुई और समर्पण हुआ, चौथा है जुगाड़। जुगाड़ ये होता है कि अगर आप किसी और के यहाँ जॉब करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, और अब आप सोच रहे हैं कि मैं दिन भर तो वहाँ 8 से 10 घंटे सिलाई करता है और उसके बाद घर पर आकर हमें टाइम नहीं मिलता तो हम कैसे करेंगे। तो उसी टाइम में आप जब किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो वहाँ आप जुगाड़ बिठाइए, अपने मालिक से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम दे वो, ताकि आप आपके कस्टमर के लिए सिल पाए। आप अभी तक उनके मालिक के लिए सिल रहे थे, लेकिन अब जब आपके कस्टमर के लिए सिलेंगे और अगर सामने वाला इंसान मान जाता है तो ये आपका जुगाड़ होता है। और यकीन मानिए, अगर आप किसी के लिए मेहनत करते हैं तो वह इस जुगाड़ के लिए भी मान जाते हैं। टॉपिक है हमारा खोज। अब आपको ये खोज, अगर आप घर पर सिलाई करती हैं, महिलाएं हैं या चाहे जेंट्स हैं, आपको खोज ये करना है कि मार्केट में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी मिल रही है और उस चीज़ को आप कस्टमर को सबसे सस्ती कैसे दे सकते हैं। खोज और सर्च दोनों एक ही रूप है।
आपको मार्केट में सर्च करना है कि सस्ता फैब्रिक कहाँ मिलता है, जो बाज़ार में 2,000-3,000 के आपको लहंगे मिलते हैं या गाउन मिलते हैं वह कम बजट में आप कस्टमर को कैसे दे सकते हैं, इस चीज़ की आपको खोज करनी होती है। और कि हाँ काम करते हैं या घर पर आप सिलाई करते हैं तो आपको लगता है कि हमारे पास समय नहीं होता कि बिज़नेस के बारे में भी सोचें, तो यह चीज़ आपको दिमाग से निकालनी है, क्योंकि अगर जिसे सक्सेसफुल होना है वह कैसे ना कैसे जुगाड़ बिठाकर अपने लिए समय निकाल ही लेता है। तो समय का सदुपयोग करेंगे तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाप एंड मेज़रमेंट। अगर आप एक सिलाई करते हैं और परफेक्ट मेज़रमेंट अगर आप जानते हैं तो आप आपका सिंपल घर से सिलाई करते करते कब बुटीक शोरूम में बदल जाएगा आप खुद नहीं जानते हैं, क्योंकि एक चीज़ का मेज़रमेंट होना काफ़ी मायने रखता है। जब आप अच्छे से मेज़रमेंट करना जानेंगे तो आप पेपर कटिंग कर उसका ड्राफ्ट बनाकर भी सेल कर सकते हैं। चाहे ड्राफ्ट आप कुर्ती का बनाए, पटियाला का बनाए, ब्लाउज़ का बनाए, आप हर चीज़ का ड्राफ्टिंग मेज़रमेंट परफेक्ट रखिए तो आप इसी तरीके से धीरे धीरे सेल कर चाहे आप क्लोथ की सेलिंग ना कर पाए लेकिन ड्राफ्ट की सेलिंग भी आप आपके बिजनेस के लिए कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा सिलाई करना। अगर आप साड़ी पे लेस लगाते हैं या ब्लाउज़ बनाते हैं, कुर्ता बनाते हैं, पेंट शर्ट बनाते हैं, चाहे जेंट्स का काम हुआ या लेडीज़ का काम हुआ, अगर आप सिलाई करते हैं तो उसके बदले अगर आपको कोई पैसे देता है तो वह आपके बिजनेस का ही एक रूप है। कई लोग कहते हैं कि अरे हम तो घर पे सिलाई करते हैं या मैं किसी और के या सिलाई करती हूँ मैं तो, और उसके बाद घर आकर थोड़ी बहुत सिलाई करती हूँ तो उससे मेरा थोड़ा जुगाड़ पानी हो जाता है। तो वह जुगाड़ पानी नहीं है, वह आपके बिजनेस की शुरुआत है, क्योंकि उस आपकी मेहनत के बदले सामने वाले ने आपको पैसा दिया है। ऐसा आपके बिजनेस का है, आपने मेहनत की है, वो सिलाई की है आपने, तब आपके पास आया है। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिंपल सिलाई को सिलाई मत देखिए, सिलाई में अपने बिजनेस को ढूंढिए। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेचना या सेल करना। अगर लेडीज़ हो या जेंट्स हो, आपने किसी की भी लिए भी अगर कुछ भी स्टिचिंग किया है और उसे आपको सेल करना है तो वो सेल तभी होगा जब मार्केट से कम दामों में आप देंगे। शुरुआती दौर में आप आपका मार्जिन 5-10 रुपये से शुरुआत कीजिए। आप आपका जो फैब्रिक का खर्चा आया है वह जोड़ लीजिए, उसके अलावा आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल शून्य के बराबर रखिए। तो धीरे धीरे करके आपके कस्टमर बढ़ेंगे और आपका जो सामान है वो मार्केट से भी जल्दी सेल होगा। तो यही एक मेन टॉपिक होता है कि हम चीज़ को कैसे सेल करें। तो आप आपकी जो मार्जिन कम रखेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से सेल होगा। हमारा जो अगला टॉपिक है सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है वो है बचत। अब आप लोग में से काफ़ी लोग जो सिलाई करते हैं वो सोच रहे होंगे कि वीडियो हमने देखा लेकिन इस वीडियो में सिंपल सिलाई करते करते हमें 20 साल का अनुभव हुए, 10 साल का अनुभव हुए, लेकिन आज भी तो हम सिलाई ही कर रहे हैं। या जिनके मम्मी पापा सिलाई करते हैं वो भी ये सोच रहे होंगे कि हमारे घर में भी सिलाई होती लेकिन कोई बिज़नेस कर पाया नहीं कर पाया। तो वो क्या कारण था कि वो बिज़नेस में बचत करना आता है। तो आप सिंपल सिलाई से भी बिज़नेसमैन बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको बचत करना आना चाहिए। तो बचत वो किस तरीके से होगी, इसके पहले टॉपिक में हमने आपके साथ शेयर किया कि जब आपने कोई चीज़ सिली है तो उसे आपने सेल की है, फिर कस्टमर आपको जो पैसा प्रोवाइड करवाता है तो उस पैसे को बचाना है। अब आप सोच रहे हो कि हमारी घर की स्थिति सही नहीं है तभी तो हम सामान सेल कर रहे हैं और घर चला रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत जुगाड़ लगाना है। जुगाड़ यह है कि आधा पैसा आपको आपके घर के लिए खर्च करना है और आधा पैसा आपको आपके लिए बिजनेस के लिए बचाना है। तो वो जो पैसा बचेगा उस पैसे को फिर से आपको फैब्रिक लेके आना है और उस फैब्रिक से फिर से आपको सिलाई करनी है। और इस बार आपका मार्जिन, पिछली बार आपने अगर 5 रुपये रखा था तो इस बार आप 10 रुपये रखिए, फिर से उसे सेल कीजिए और अगली बार फिर आपको वही प्रोसेस दोहरानी है कि आधा पैसा आप घर के लिए रखिए, आधा पैसा आप बिज़नेस के लिए रखिए। और इसी तरीके से आपको फैब्रिक लाना है, सिलना है, सेल करना है और बचत करनी है। जब यह प्रोसेस आप बार बार करते जाएंगे तो आपके पास काफ़ी फैब्रिक इकट्ठा हो जाएगा और बिज़नेस के लिए भी काफ़ी बचत हो जाएगी। तो जब आपका बजट और बचत सही तरीके से चलती है तो आप बिज़नेस ज़रूर कर पाते हैं। और जो टॉपिक आपको मैं ठीक से समझा पाई हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिएगा। और हम ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।